जी Our former chairman, जी, please, please, please sir, come on the stage. आश्रय एनजीओ के साथ पूरे देश का जो अनफॉरगेटेबल एक बड़ा अनकंडीशनल सब मदद जो करते हैं आप, और मैं आपको एक हालांकि बताने जाऊंगा तो ये समय कम पड़ जाएगा, लेकिन अब तक हजारों बच्चों के जिनकी आंखें नहीं हैं उनके गाने एक्चुअली जो आपको दिखाए गए हैं ये प्राइवेट सॉन्ग्स हैं इसका, और इन गानों को हमने बनाया इसलिए कि एक तो डेफिनेटली क्योंकि मैं संगीतकार हूं तो संगीत मेरा पहला प्यार है, और क्योंकि फिल्म रिलीज़ है 21 फरवरी को तो 21 फरवरी से पहले गाने मार्केट में आ जाएंगे तो हम लोग मोर फैमिलियर हो जाएंगे एज अ फेस आप सबसे, आप अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे तो आपको एक पॉजिटिव आपकी एक सोच बनेगी ऑडियंस की हम लोगों के लिए, तो ये कारण था कि हम लोगों ने एक प्रमोशन के तौर पे कुछ गाने भी शूट कर लिए। आज के दिन ऑफकोर्स मेरी ये पहली फिल्म है तो थोड़ी तो नर्वस होना बनता ही है, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ बिकॉज
फिल्म जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ये कैरेक्टर इतना अलग है, तो मैं उस टाइम पे जितना नर्वस थी और जितनी मैं परेशान थी कि पता नहीं मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, जैसा आप लोग देख रहे हैं मुझे, मेरा वहाँ पर अलग ही अवतार है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे बताया कि इजी लो, सब कुछ आसानी से होगा और हम कर जाएंगे। और जब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हमने मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने हर शॉट को, कोई ऐसा शॉट होगा 3 या 4 बार टेक लिए होंगे, बट एक या दो शॉट, एक ही दो टेक में हमने, मतलब सर ने मेरा फाइनल किया है कि नहीं, वाओ गुड। आपको ये फिल्म किस तरह से मिली, आपको ये फिल्म कैसे मिली? हाँ, सर ने जैसा बताया कि इनका सॉन्ग जो है वो प्यार है, तो मैं सॉन्ग के लिए मिली थी सर को, कि बिकॉज सर ने बोला था मुझे, किसी जिसने मुझे मिलाया था उसने यही बोला था कि एल्बम करना है, बट जब मैं सर को मिली तो सर ने मुझे बताया कि एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा फिल्म है, और मुझे उसके लिए एक ऐसी धाकड़ सी लड़की, लंबी चौड़ी, और जो मतलब लगे, आए तो लगे कि नहीं कुछ कमाल कर रही है, तो सर ने मुझे कहानी सुनाई पूरी फिल्म की, और हम कॉफ़ी शॉप में ही बैठे हुए थे और वहाँ पे पूरी कहानी सुनाई, मुझे लगा कि नहीं ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है, पता नहीं मैं कर पूँ, मैं उस टाइम पे जब मैं वहाँ से निकली तो मैं कंफ्यूज थी, मेरे हाँ और ना, और सर ने भी बोला था कि देखो ये बहुत ही एक एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा और टर्निंग पॉइंट होता है, जब आप स्टार्टिंग में एक्टिंग करके आप अपने आप को साबित करते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो सर का कहीं ना कहीं उसमें एक फोर्स तो नहीं बोल सकते बट बहुत बड़ा साथ रहा, कि सर ने मुझे बताया कि करो, ये एज ए एक्टर अपने आप को प्रूफ कर पाओगे तुम, तो मुझे भी लगा कि नहीं चलो करना चाहिए, और हमने किया और इतना आसानी से और इतनी मस्ती में, इतने मज़े में हमने ये शूट कर लिया, पता ही नहीं चला। आपके किरदार की बात करें कि आप क्या किरदार निभा रहे हैं, किरदार को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा अभी, ये एक वन नाइट की जर्नी है एक लड़की की, पूरी रात में उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं बीच बीच में, और कैसे कैसे लोग मिलते हैं, आप लोग ट्रेलर देख के तो आधा से ज़्यादा समझ ही गए होंगे कि ये किस बेस पे फिल्म बनी हुई है, किस चीज़ के ऊपर, कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है कि एक रात में उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, और एक मैसेज भी है इसमें कि आप समझ पाएंगे उनके कैरेक्टर को और उनकी रियलिटी को, कि कैसे इनकी लाइफ और कैसे ये जीते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे, आपने जिस तरह के दृष्टि से कहा कि फैमिली पिक्चर दे सकती है, फैमिली पिक्चर दे, पर सर इसमें तो गाली गलौज है, तो फैमिली कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, गाली गलौज देखिए, गाली गलौज जनरली है कि हम लोग जब, यही तो बात है, अगर ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा देंगे हम, तो आप फिल्म से कैसे आप रूबरू होंगे, आप देखिएगा। जनरली हम लोग जैसे घर पे रहते हैं या कहीं आम, कभी गुस्सा आ जाता है, हम लोग गाली देते हैं, जो अगर आपने डायलॉग पे ध्यान दिया हो तो वो कहती है कि भाई अपन के लिए तो बोली है, बोलती है गाली नहीं है तो बोली है, तू क्यों शर्मा रहा है, और वो लड़का शर्मा रहा है उससे बोलने में, उसने जो गाली दी इंग्लिश में गाली दी उसको हिंदी बताने में, तो लिखो बात नहीं, तू क्यों शर्मा रहा है, तो बट फिल्म आप ओवरऑल जब देखेगा तो आई एम टेलिंग यू इट्स क्रिएट अब ये सब तो अब सारी बातें आपको एकदम से सारी बातें आज ही पूछ लोगे तो फिर आगे क्या मजा आएगा, अभी तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है हम लोगों को, नहीं सेंसर में हमें कोई किसी परेशानी का सामना अभी तक तो नहीं करना पड़ा, और आई होप कि बाय टुमारो डे आफ्टर लाइक वी हैव अ फाइनल हैपनिंग विद द सेंसर, तो ऑल इज क्लियर। एक कैरेक्टर भी दिया और साथ साथ में एक उन्होंने मुझे स्किल भी दी ऑटो ड्राइविंग की, कि मतलब इसके अंदर मैंने ऑटो ड्राइवर काम आएगा बुरे बुरे समय में काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म अद्भुत है, और मैंने जब 4-5 दिन भैया के साथ बैठा और स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतना मोटिवेशनल है, ये तो मोटिवेशनल गुरु भी हैं, और ये मोटिवेट करके मुझे बोले तुम कर लोगे, तो मैंने 13 दिन तक ऑटो सीखा, फिर जा करके चलाना शुरू किया, और चला करके फिर अब फिल्म आप लोग चलाएंगे। जी मैम, जी मैं तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी दुष्यंत सर को कि उन्होंने मुझे काम इस फिल्म में अप्रोच किया, और मेरा फिल्म में जो कैरेक्टर है वो कॉप का है, इससे पहले आपने बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी कॉप आपने नहीं देखी होगी, तो मेरे लिए बहुत ही ड्रीम एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैं पहले भी कॉप का कैरेक्टर करना चाहती थी, पर सर के थ्रू मुझे ये कैरेक्टर मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती,
क्योंकि सस्पेंस है, वो आपको वो फिल्म में ही देखना पड़ेगा 21 फरवरी को। लेकिन रियली मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ अभी, जुकाम है मुझे तो, मैं भी मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। सिंघम हूँ या मर्दानी ये तो आप लोग बताएंगे जब फिल्म देखेंगे तब। थैंक यू। राम भैया वो अपने काम में और इतनी एनर्जी वो डालते हैं और डिवोशन से जो काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ में काम जो भी करना चाहेगा he will be happy and he is my younger brother so I have to support him, so that's the reason. आज देखा था, देखा क्या क्या कहेंगे तेरे को, आपने लोगों देखा है, ये तो पब्लिक बताएगी, मुझे तो अच्छा लगा। आपने देखा, आपका क्या ओपिनियन है? और अपनी चीज़ तो हमेशा सबको ही पसंद आती है, हम तो तारीफ ही करेंगे। ये तो आप लोग बताइए। मैम आप कहेंगे प्रोमो देख के आप फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? तो आ गया जी, मैं थोड़ा आ गया। एक मिनट एक मिनट, प्रोमोस तो काफ़ी अच्छे थे और रेस्ट दर्शक बताएंगे कि मूवी कैसी है। टाइटल 100 bucks व्हेन यू हर्ड, क्या लगा तुम्हें, क्या लगा? 100 bucks डू यू थिंक इट जस्टिफाइड टाइटल? Justified? Yes, of course justified, because it's a character of a prostitute. So yes, it's justified. दुष्यंत जी गाना भी गा रहे हैं वहाँ, देखने गाने क्या कहीं गानों के बारे में? गाने अच्छे लगे? गाने आप बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, आई रियली लाइक द सॉन्ग्स। रेस्ट आप लोग बताएंगे, मूवी देखिए और फिर बताइए कैसी लगी आपको। ओके, थैंक यू। मेरे लिए तो 100 bucks का एक ही मतलब रहेगा हमेशा, बट ट्रेलर के हिसाब से कुछ सस्पेंस दिख रहा है 100 rupees से रिलेटेड, जिस तरीके से पोस्टर में भी मैंने देखा एंड जैसे दुष्यंत भाई ने बताया, इस हरियाणा का कनेक्शन है हमारा थोड़ा सा प्यार भरा, तो जैसे इन्होंने बताया कि 2004 से इन्होंने सोचा था इस बारे में एंड कोई प्रोजेक्ट अगर आपके दिमाग में होता तो इस लाइक अ बेबी, तो इन्होंने उस बेबी को बहुत अच्छे से पाला भी है, पोसा भी है और फिर उस पर वर्क किया है, तो आई होप सो एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जिस तरीके से इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और बहुत मेहनत लगन से, पहला प्रोजेक्ट हमेशा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है और आदमी उस पर 100% देता है, लाइक 100 bucks 100%, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम, और मूवी 100 bucks की जगह 100 million कमाए तो माशाल्लाह जी। फिर भी क्या कहेंगे प्रोमो आज को देखा? भैया घर की चीज़ें सही कह रहे हो, देखो या तो जैसे पहला प्यार हो किसी का और पहला स्वप्न एक जैसा ही होता है, जब मिलता है तो उसकी खुशी बिल्कुल अनिवर्चनीय होती है, आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि आपको कितनी खुशी हो रही है। बिल्कुल उसी तरह ये जो फिल्म है द 100 bucks दुष्यंत जी का और मेरा, हम लोगों ने इसको जन्म दिया और एक तरह से पालन पोषण किया है, ऐसा स्वप्न है तो वो आज पूरा हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी है, उतनी ही खुशी जितना एक सपना पूरा होने पे होती है, और सब लोगों का बहुत प्यार और स्नेह भी मिल रहा है इस फिल्म को, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी फिल्म, बहुत हिट होगी और आप सबका स्नेह तो है हमारे साथ। म्यूजिक लॉन्च के साथ म्यूजिक लॉन्च एज अ सिंगर दुष्यंत जी की म्यूजिक एल्बम है मेरा इश्क तू, उस गाने की लॉन्चिंग है आज और आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट।